नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के स्पेशल क्लासेस। पी के स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा मैंने सुबह बताया था कि 3:30 बजे फॉर्म ओपन हो जाएगा यूपी टेट 2018 का। देखिए 3:30 बजे जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आ गया है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। केवल 5 मिनट और अभी हुआ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप यदि चैनल पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। देखिए, आवेदन पत्र हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। स्टेप 1 में ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं आवेदन के प्रारूप को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होगी। और स्टेप 2 में आप देखेंगे तो इसमें 2 भाग दिया गया है। आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहां से पंजीकरण कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि दोस्तों 4/10/2018 शाम 6 बजे तक है। और यदि अपना फॉर्म जो है फिल कर लिए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आप प्रिंट कर सकते हैं। उसका अंतिम तिथि 6/10/2018 है और शाम 6 बजे तक। आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 5/10/2018 यानी 5/10/5 अक्टूबर तक आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। अपना भरा हुआ आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। जो आवेदन फॉर्म यदि आप फुल प्रिंट जो है शुल्क जमा करने के बाद जो आप यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका अंतिम तिथि 6/10 यानी 6 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 3:30 बजे इसका आ जाएगा लिंक और यहाँ पे आ गया है। यदि आपने चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए स्टेप 2 में आप यहाँ पे आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस पे क्लिक करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। जो भी फॉर्म फिल करेंगे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही संयम से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। इसलिए आप लोग पूरा पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए ध्यान से। और मैंने पहले ही बता दिया था कि बीएड वाले 1 से 5 तक अलाउ हो जाएंगे। देखिए आप शासनादेश मैंने आपको बताया था, वहाँ 1 से 5 तक अलाउ हो गए हैं। और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी जहाँ जनपद से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जैसे पहले फिल करते थे उसी प्रकार से फिल करना है। लेकिन आप याद रखिएगा, ध्यान से फिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपका फॉर्म मान लीजिए गलत हो गया है तो आप दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आप कोई आपत्ति नहीं है। उसमें लिख दिया गया शासन आदेश में आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप 2 बार जो है इसका फीस जमा करते हैं तो जो लास्ट वाली फीस आपने जमा किया है उसी फॉर्म को मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और मैं जल्द ही दोस्तों आपको एक आवेदन फिल करके पूरा ध्यान से बताऊंगा कि किस किस प्रकार से आप आवेदन सही सही फिल कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप आवेदन कीजिए तो भी अच्छा रहेगा। इसलिए आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत मैं आपको 1 से 2 घंटे में आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताऊँगा कि किस किस प्रकार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सही सही फिल करना, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसमें कोई भी संशोधन की गुजारिश नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। धन्यवाद।